सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से आज की ताज़ा और बड़ी खबरों को लेकर के। दोस्तों आपको बता दूं कि पांच बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा पूरे विस्तार से। दोस्तों खबर क्या है आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट से जुड़ी हुई खबर है, और वहीं दोस्तों गया से दिल्ली की फ़्लाइट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों क्या है खबर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी एयरपोर्ट से भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर और गोरखपुर से भी जुड़ी हुई खबरें हैं। तो दोस्तों खबरों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और साथ ही दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इसी तरह की खबरें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए एक नज़र आज की खबरों पर। धमकोई राज में पीएम की वर्चुअल रैली के संबोधन के दौरान खाली रही कुर्सियां। आपको बता दें कि बजट पेश होने के अगले दिन ही बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर जिले के सातों विधानसभा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली में संबोधित किया है। चुनाव आयोग ने भले ही अभी बड़ी रैलियां करने की इजाज़त नहीं दी है, लेकिन 1000 लोगों को इकट्ठा कर जनसभा की जा सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों रैलियों को सुनने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ को इकट्ठा नहीं कर पाए। कुशीनगर के तमकोई राज विधानसभा में हुए वर्चुअल रैली में पीएम मोदी के संबोधन के दौरान कार्यक्रम स्थल पर कुर्सी खाली थी। आयोजकों ने कुर्सी भरने के लिए छोटे बच्चों का सहारा लिया। आपको बता दें कि कुशीनगर जिले के तमकोई राज विधानसभा सीट से भाजपा और निषाद पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर असीम कुमार हैं। एक माह में 22 लाख रुपए जुर्माना वसूल गोरखपुर स्टेशन के प्रबंधक ने बनाया रिकॉर्ड। आपको बता दें कि डायरेक्टर आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन प्रबंधक गोरखपुर ने जनवरी में सघन जांच अभियान चलाकर सिर्फ एक माह में लगभग 22 लाख रुपए जुर्माना वसूलने का रिकॉर्ड बनाया है। जुर्माने का अभी तक यह सबसे अधिक वसूली का रिकॉर्ड है। बता दें कि वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने पूरे माह बिना मास्क और बिना टिकट के खिलाफ जांच अभियान चलाया है। इस दौरान कुल 4146 लोग पकड़े गए, जिसमें 3343 लोग बिना टिकट और 803 बिना मास्क के पकड़े गए। बिना टिकट पकड़े गए लोगों से 20,13,214 रुपए तथा मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से 1,61,600 रुपए जुर्माना वसूला गया है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार अभियान के दौरान न सिर्फ लोगों को पकड़ा जा रहा है, बल्कि उन्हें कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि मास्क अनिवार्य है, पकड़े जाने पर 200 से 500 रुपए तक का जुर्माना लग रहा है, गेटों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर और बैग सैनिटाइजर की व्यवस्था है, और कोविड संक्रमण को रोकने के सभी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। गया से दिल्ली की सारी फ्लाइट 28 फरवरी तक कैंसिल, कोरोना के कारण इंडिगो की सारी फ्लाइट रद्द। आपको बता दें कि गया से दिल्ली के लिए विमान सेवा 28 फरवरी तक रद्द कर दी गई है। इसका कारण उड़ान भरने वाली कंपनी ने स्पष्ट नहीं किया है। इंडिगो एयरलाइन का विमान गया से दिल्ली जाता था। एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि कोरोना की वजह से हवाई यात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी आई गई थी और यात्रियों की संख्या आधी हो गई थी। गया एयरपोर्ट के डायरेक्टर बंगजीत साध ने बताया कि इंडिगो एयरलाइन के प्रबंधक ने सूचित किया है कि गया से दिल्ली के लिए हवाई सेवा दे रहे विमानों का परिचालन 28 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। इसके बाद उड़ान सेवा शुरू होगी या नहीं इसकी जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं कराई गई है, और इस बात को लेकर फिलहाल संशय बना हुआ है। डायरेक्टर ने बताया कि फिलहाल गया से कोलकाता के लिए सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को इंडिगो एयरलाइन का विमान उड़ान भर रहा है। गया से दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू कराने के लिए एयर इंडिया के स्टेशन प्रबंधक से पत्राचार किया जाएगा, ताकि गया एयरपोर्ट के रास्ते यात्रा करने वाले मगध क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा बहाल हो सके। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि गया से दिल्ली के लिए यात्रियों की संख्या भी ठीक ठाक रहती है, इस कारण हवाई सेवा संबंधित कंपनी को बहाल करनी चाहिए। दिल्ली के लिए हवाई सेवा बहाल रहने से गया, औरंगाबाद, नवादा सहित झारखंड के सीमावर्ती जिलों के यात्रियों को काफ़ी सुविधा होती है, लेकिन इंडिगो एयरलाइन की विमान सेवा बंद होने से लोगों की परेशानियाँ अब बढ़ने वाली हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर नहीं दिखाने होंगे दस्तावेज, यात्रियों का चेहरा ही होगा अब उसका पास। आपको बता दें कि वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले विमान यात्रियों को अब डीजी यात्रा का तोहफा मिलने जा रहा है, जिसका 1 फरवरी से तकनीकी परीक्षण हो गया है। इस तकनीक की मदद से यात्रियों को एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश करने के लिए कोई भी दस्तावेज दिखाने से आज़ादी मिल जाएगी। यात्रियों का चेहरा ही उनका पास होगा। डीजी यात्रा के तहत एयरपोर्ट पर लगाया गया मशीन यात्रियों के चेहरे से ही उनकी पहचान कर उन्हें प्रवेश दे देगा। आपको बता दें कि डीजी यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा सके इसको ध्यान में रखते हुए एक माह या उससे ज़्यादा समय तक तकनीशियनों द्वारा परीक्षण चल रहा है। परीक्षण में खामियां मिलने पर उसे सुधारने के बाद इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित की जाएगी। मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद इसे नियमित रूप से शुरू किया जाएगा। डीजी यात्रा प्रारंभ होने के बाद विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों को बोर्डिंग पास से छुटकारा मिल जाएगा। बता दें कि एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा का परीक्षण विमान यात्रियों पर किया जा रहा है। यह सुविधा प्रारंभ होने के बाद विमान यात्री जैसे ही मशीन के सामने जाएगा उसका चेहरे को मशीन स्कैन कर लेगी,
और तुरंत गेट खुल जाएगा। साथ ही जो विमान यात्री सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहता वह मैन्युअली तरीके से भी अपना टिकट बोर्डिंग कार्ड दिखाकर टर्मिनल भवन के भीतर प्रवेश कर सकता है। देवघर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान की तैयारी अंतिम चरण में। आपको बता दें कि देवघर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से हवाई उड़ान की तैयारियां अंतिम चरण में है। छिटपुट कामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देवघर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढिंगरा ने पत्रकारों से बातचीत में गुरुवार को बताया कि 2.5 किलोमीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े रनवे वाले इस एयरपोर्ट से लगभग आधा दर्जन एयरलाइन कंपनियों ने सेवा देने की सहमति जताई है। इसके लिए फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्लॉट की शुरुआत हो रही है। बता दें कि देवघर एयरपोर्ट से उड़ानों की सभी तकनीकी बिंदुओं पर अंतिम रूप से कार्य चल रहा है। इसे फाइनल कर उद्घाटन के लिए हरी झंडी दिखाया जाएगा। टर्मिनल बिल्डिंग में डिपार्चर और अराइवल के लिए सेंसर गेट भी लगाया गया है। इसमें बाबा बैद्यनाथ मंदिर की छवि दर्शाई गई है। साथ ही पार्किंग और लॉज एरिया सही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जिन एयरलाइंस कंपनियों ने सेवा देने की सहमति जताई है उनमें स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर एशिया, गो एयर और कई कंपनियां शामिल हैं। कंपनियों की ओर से एयरपोर्ट का निरीक्षण किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से 137 पुलिस पदाधिकारी और बलों को तैनात किया गया है। इसमें एक डीएसपी स्तर के अधिकारी सहित 2 इंस्पेक्टर, 7 SI, 7 ASI और 16 हवलदार सहित 94 सिपाही शामिल हैं, जिन्हें CISF की ओर से प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। एयरपोर्ट की तकनीकी कार्यों को पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एयरपोर्ट में DRDO का 200 करोड़ का अंशदान है। DRDO की ओर से स्थानीय चित्रकूट पर्वत के समीप भंडार गृह का निर्माण किया जा रहा है। DRDO सहित एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से भी कई बार ट्रायल को पूरा किया जा चुका है। इस एयरपोर्ट के निर्माण में पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर का महत्वपूर्ण योगदान है और इसके निर्माण को लेकर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भी काफी मेहनत किया है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियां। दोस्तों आज की खबरों में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। दोस्तों इसी प्रकार की खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर से किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।